नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूसली। मूसली कितने प्रकार की होती है और उसका गुण क्या है, वह कौन कौन सी बीमारी में काम करती है। दोस्तों, यह दर्जनों रोगों में काम करती है। यह एक अमृत है। इस अमृत के विषय में आज हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों के इन सपोर्ट से हौसला बुलंद होता है, आप लोग सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं मूसली के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्रों में मूसली दो प्रकार की बताई गई है, एक सफ़ेद मूसली और दूसरी काली मूसली। दोस्तों, दुनिया में हमेशा से आयुर्वेद दवा कारगर मानी जाती है। इसका सेवन करने से जड़ से बीमारियों को खत्म करने में सफलता मिली है। कई जड़ी बूटी ऐसी है जिनका सदियों से उपयोग किया जा रहा है और आज भी जारी है। उन्हीं में से एक है सफ़ेद मूसली और काली मूसली। कई असाध्य रोगों में इसका सेवन किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है सफ़ेद मूसली और काली मूसली और क्या है इनके अनेकों बेहतरीन फायदे। दोस्तों, सफ़ेद मूसली क्या है? सफ़ेद मूसली एक चमत्कारिक औषधि है। यह भारत के जंगलों में पाई जाती है। इसके प्रयोग से कई सारे रोगों में आराम मिलता है। यह दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक है। इसका पौधा भारत के जंगलों में पाया जाता है। अब तो इसका खेती भी की जाने लगी है। दोस्तों, कई तरह की छोटी से बड़ी बीमारियों में यह किसी रामबाण से कम नहीं है। इसके अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों, सफ़ेद मूसली के फायदे जो हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सफ़ेद मूसली का सेवन करना लाभकारी होता है। सर्दी, जुकाम और संक्रामक बीमारियों से यह शरीर की रक्षा करती है। तो पेशाब की जलन, अगर आपको पेशाब में जलन बनी रहती है तो सफ़ेद मूसली की जड़ इसमें फायदा पहुंचाती है। इसकी जड़ को पीस ले और इलायची के साथ दूध में उबाल कर पिए। इस दूध को पीने से लाभ होगा। दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए, माताओं को स्तनों में दूध वृद्धि करने के लिए बढ़ाने के लिए सफ़ेद मूसली का प्रयोग करना चाहिए। 2 से 4 ग्राम सफ़ेद मूसली चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिला लें, दूध के साथ इसे पिए। आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, नपुंसकता से बचाव के लिए सफ़ेद मूसली से वीर्य का उत्पादन होता है। यह नपुंसकता को दूर कर वीर्य की गुणवत्ता को सुधारती है। इसके नियमित सेवन से नपुंसकता का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, गाय के दूध में 1 से 1.5 चम्मच मूसली पाक मिलाकर दिन में 2 बार पिए। दोस्तों, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए सफ़ेद मूसली से शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सफ़ेद मूसली का सेवन करना स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार लाता है। दोस्तों, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने पर मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैं बताया हूँ होम्योपैथिक दवाई के बारे में। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। दोस्तों, सफ़ेद मूसली से कमजोरी दूर होती है। शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में सफ़ेद मूसली लाभदायक होती है। बहुत सी तरह की ताकत की दवाएं बनाने में सफ़ेद मूसली प्रयोग की जाती है। दोस्तों, गठिया के दर्द में इसका फायदा, सफ़ेद मूसली के कंद को लगाने और इसके चूर्ण का सेवन करने से गठिया के दर्द में राहत मिलती है। सफ़ेद मूसली गठिया के लिए बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, सफ़ेद मूसली के सेवन से मधुमेह के इलाज में भी काफ़ी सहायता मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सफ़ेद मूसली ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, इसके सेवन से पेट पर जमा चर्बी कम होती है। शरीर का मोटापा कम करने में यह काफ़ी कारगर मानी जाती है। महिलाओं को शारीरिक समस्या या
अन्य समस्याओं में इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसके सेवन से खूबसूरती भी बढ़ती है। अगर आप पथरी की समस्या से जूझ गए हैं तो मूसली का सेवन कीजिए। करीब सप्ताह भर तक इसका सेवन करने से आराम मिलता है। इसके लिए सफ़ेद मूसली और इंद्रायन की सूखी जड़ के साथ एक एक ग्राम पीस लें। इसके बाद एक गिलास पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं और पी लें। प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें। दोस्तों, महिलाओं को बदन दर्द, उच्च रक्तचाप, गठिया आदि की समस्या बनी रहती है, ऐसे में सफ़ेद मूसली की जड़ का सेवन करना चाहिए, इससे आराम मिलता है। दोस्तों, महिलाओं को अगर गर्भधारण करने में समस्या आती है तो सफ़ेद मूसली का सेवन करना चाहिए, इससे गर्भधारण जल्दी होता है। दोस्तों, दस्त से परेशान होने पर सफ़ेद मूसली का उपयोग कर सकते हैं। 2 से 4 ग्राम सफ़ेद मूसली की जड़ के चूर्ण दूध में मिला लें और इसका नियमित सेवन करें। पेट से संबंधित अपच की समस्या, गैस की समस्या, खाना न खाना जैसी समस्या होने पर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके चूर्ण के सेवन से बहुत जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, जब भोजन करने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, तो कमजोरी आने लगती है, ऐसे में मूसली के चूर्ण का सेवन करना चाहिए। इससे भूख भी खुलती है, कमजोरी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे काली मूसली। काली मूसली क्या है? काली मूसली का प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में खूब किया जाता है। इसके सेवन से कई बीमारियों में राहत मिलती है। हालांकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। इसके सेवन से जलन होना, थकान या पाइल्स जैसे रोग में राहत मिलती है। तो इसका मूल रूप से प्रयोग शारीरिक संबंध से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। इसका सेवन महिला और पुरुष दोनों करते हैं ताकि परेशानियों को खत्म किया जा सके। हालांकि इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। दोस्तों, अगर आपको यूरिन के दौरान दर्द होना, यूरिन कम आना, जलन होना जैसी समस्या है तो काली मूसली का प्रयोग करें। दोस्तों, किडनी के दर्द से परेशान हो गए हैं तो काली मूसली का सेवन करना चाहिए। 1 से 2 ग्राम काली मूसली चूर्ण में 5 मिली तुलसी पत्ते का रस मिलाकर खाने से आराम मिलता है। दोस्तों, मौसम बदलते ही खांसी के शिकार हो जाते हैं तो काली मूसली का सेवन करें, इससे जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, अस्थमा के मरीज हैं तो मौसम बदलने पर अधिक सतर्कता बरतना जरूरी होता है। इसके लिए काली मूसली के जड़ की छाल को पान में रखकर खाने से फायदा होता है। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है या टूट गई है तो काली मूसली का उपयोग करें, इससे हड्डियां मजबूत होगी। साथ ही इसके चूर्ण में अलसी का तेल मिलाकर लगाने से भी आराम मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।